इतना ऊंचा हो जाऊंगा मैं हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना ऊंचा हो जाऊंगा मैं हो नहीं सकता। आज की परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत लोग, विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं एक युवा मन हूं। मन की पीड़ा किस तरह से निकलती है, मैं उसे आपके सम्मुख रखूंगा। जिनके दिल में आग नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं। होना क्या चाहिए राजनीतिक सत्ताओं पर या प्रशासनिक गद्दियों पर या राजनीतिक गद्दियों पर क्या होना चाहिए, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। जिनके दिल में आग नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं। केवल सत्ता उनकी होगी, इसकी कोई दरकार नहीं। अरे बंद करें अभिनंदन उनका, बंद करें अभिनंदन उनका। केवल बंदर ही अधिकारी है और चौराहों पर जूत पड़े वो जूतों के अधिकारी है। बहुत सुंदर। चौराहों पर जूत पड़े वो जूतों के अधिकारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपको पहले अपने मुक्तक से जोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपको छोटी सी रचना, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे हमारे कविगण हैं वो रहेंगे, मैं आपको छोटे से मुक्तक से जोड़ने के बाद में फिर अपनी मूल रचना को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे दिल में भेद नहीं है, मैं क्या लिखता हूं भेद नहीं है। मेरे दिल में भेद नहीं है, मैं क्या लिखता हूं खेद नहीं है। चाहे मुझको गोली मारे लाल किले फांसी दे डाले, चाहे मुझको गोली मारे लाल किले फांसी दे डाले, मैं सीधी सच्ची बात कहूंगा। अन्याय अब नहीं सहूंगा। अरे अन्याय की रेख लांघी, अन्याय की रेख लांघी उन अन्यायी लोगों ने और तार तार भूमि कर डाली इन भोग बिलासी लोगों ने। क्या गांधी का भारत हम, क्या गांधी का भारत हम इस भारत को कहते हैं? क्या गांधी का भारत हम इस भारत को कहते हैं जहां शिक्षा कपड़े और अन्न से वंचित बच्चे रहते हैं? यहां अबला हो या सबला औरत, औरत 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 महिला सशक्तिकरण, वोमन एम्पावरमेंट, ये नारे हैं, इनके ऊपर भाषण हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां अबला हो या सबला औरत, केवल एक खिलौना है और खेले तोड़े खत्म करें परवाह किसको क्या होना है। खेले तोड़े खत्म करें परवाह किसको क्या होना है। अरे कुछ अस्मत होते तार तार क्या जमा रक्त सह सकता है, और जो वीरों का वंशज हो वो चुप कैसे रह सकता है। अरे कुछ दुष्टों ने मिलकर के, कुछ दुष्टों ने मिलकर के अपनी चंगा फटकारी है। अरे कुत्तों ने कर दिया हौसला, अब सिंहों की बारी। जो सिंहों का मद्दा रखे, जिसके अंदर रक्त खौलता है, बहुत सुंदर। मेरे हिसाब से ऐसा फुर्सत बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा फुर्सत होता है जिनके खून में उबाल होता है। अन्यथा आज का खून कैसा है आप जानते हैं। तो मेरी अगली पंक्ति उन लोगों के लिए है जिनका खून उबाल भाता है, जो कुछ कर गुजरने की हिमाकत रखते हैं, जो ताकतवर के सामने बोलने खोलने की ताकत रखते हैं, उन लोगों के लिए मेरी अगली पंक्ति सहमत है कि यहाँ अबला हो या सबला औरत, केवल एक खिलौना है, खेले तोड़े खत्म करें परवाह किसको क्या होना है। कि कुछ दुष्टों ने मिलकर के अपनी जंगा फटकारी है, कुत्तों ने कर दिया हौसला, अब सिंहों की बारी है। और जो सिंहों का मद्दा रखे वो युवा रक्त आगे आए और भारत माँ के चरण चूम ले, बड़े आगे ना घबराए, रखते होकर जज्बा मन में वीर भगत सिंह और सुभाष का, और बहता है कर लहू जिगर में रानी लक्ष्मीबाई मां का। तो बिना किसी संकोच किए संघोष जोश में बढ़ना होगा। ना गढ़ा कभी इतिहास, ना गढ़ा कभी इतिहास, वही इतिहास तुम्हें गढ़ना होगा, वही इतिहास तुम्हें गढ़ना होगा। मैं धूमिल होते दशा देश की, मैं धूमिल होते दशा देश की रोज भमकता रहता हूं, मैं धूमिल होते दशा देश की रोज भमकता रहता हूं।
में, मैं अंगारा हूँ आग मिलन में, रोज तत्ता रहता हूँ, रोज तत्ता रहता हूँ। आदरणीय